दोस्तों आज हम बात करेंगे टर्म टू एग्जाम्स के सैम्पल पेपर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हमें सैम्पल पेपर सॉल्व ही क्यों करने हैं। आपके भी मन में क्वेश्चन आया होगा, मेरे भी मन में आया था जब मैं 10th क्लास में था कि भाई जब मेरे पास NCERT की बुक है और मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो मुझे सैम्पल पेपर सॉल्व ही क्यों करने हैं। सॉल्व क्यों करने मुझे सैम्पल पेपर, जब मैं NCERT बुक से रीडिंग कर लूंगा, कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा, क्वेश्चन बैंक से जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा ठीक प्रकार से, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने क्या करूंगा, पेपर में जाके आराम से नंबर अच्छे स्कोर कर सकता हूं मैं तो। लेकिन सैम्पल पेपर क्या क्या रोल प्ले करता है, क्यों जरूरत पड़ी हमें सैम्पल पेपर्स की, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आप जो है ना फेमिलियर हो जाते हो एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ। वो भी बात करें कि किस पब्लिकेशन का आपको सैम्पल पेपर खरीदना है, थोड़ा सा इंतजार करो, पहले समझा तो दूं आपको थोड़ा सैम्पल पेपर सॉल्व ही क्यों करने है ना। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो 2 घंटे का पेपर है, आपको सब कुछ आता है लेकिन टाइम ही कम पड़ गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो क्या कर लोगे आप। जब सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो टर्म टू का एग्जाम आपको 2 घंटे का होने वाला है ना, तो टर्म टू का एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होने वाला है। आपने पहली बार सैम्पल पेपर सॉल्व किया और आपको लग गया 2.5 घंटा सॉल्व करने में, 3 घंटे भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बार आप जब सॉल्व करोगे तो आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे भाई, एफर्ट्स डालोगे ना, थोड़ा सा और जल्दी लिखने की कोशिश करोगे, और मान लो आपको लग गए 2 घंटे 20 मिनट मान लो। अगली बार और मेहनत की तो आपको लग गए 2 घंटे 10 मिनट, अगली बार और मेहनत की तो आपको लगे 2 घंटे पूरे, आप खुश हो गए। अगली बार थोड़ी सी और मेहनत कर दी, आपको लगे 1 घंटे 50 मिनट, 10-10 मिनट कम कर करके आप 1 घंटे 50 मिनट पे पहुंच गए। और मेहनत करोगे तो और भी कम कर सकते हो, 1 घंटे 50 मिनट में आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपने इतनी मेहनत कर लिया तो। अब क्या हुआ, बचे हुए 10 मिनट में आप जो है अपने आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हो ना। अब 10 मिनट बचे हैं अभी भी, 1 घंटे 50 मिनट में आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, अब 10 मिनट बचे हैं 2 घंटे होने में, तो आप जो है रीचेक कर लो एक बार अपने आंसर को, पढ़ा पढ़ा भाई मैंने सब कुछ सही किया है ना, कहीं भी कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो इस प्रकार से जो है आप वहां पे चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो ट्रैक परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है आप अगर डायरेक्ट पेपर देने जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे मुझे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, लेकिन आप पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जो आपसे होते ही नहीं है, तो उन जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से हैं उस टॉपिक को क्लियर करोगे आप। जैसे एक 40 नंबर का सैम्पल पेपर है, उसमें से आपके 30 नंबर आ गए, तो जो 10 नंबर है वो कहाँ कट गए वो आप चेक करोगे पहले तो, ठीक है। अब जो 10 नंबर कटे हैं वो किन टॉपिक्स से हैं, उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लोगे, उन पे जो है अपनी पकड़ बना लोगे, स्ट्रांग कर लोगे उन टॉपिक्स को, तो आपके मार्क्स अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया और आप परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर लोगे कि भाई जो है मैं कितना होशियार अब होता जा रहा हूँ और मैं सफलता के निकट पहुंचता जा रहा हूँ इस प्रकार से। अब हम बात करें किस पब्लिकेशन का वो सैम्पल पेपर खरीदना है। दिख रहा है आपको एडुकाटा खरीदना है, क्यों खरीदना है वो बात करेंगे। हर एक चीज का एक रीजन होता है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का भी रीजन होता है जो मैंने आपको बताया, एडुकाटा के सैम्पल पेपर सॉल्व करने का भी एक रीजन होता है जो आपको अब बताऊंगा। पहली बात जो है कि इस एडुकाटा में आपको मिलते हैं मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स, आपको एडुकाट में जो है सबसे ज्यादा कोई भी पब्लिकेशन इतने सारे सैम्पल पेपर्स नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको 12 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि 100% टर्म टू के एग्जाम पैटर्न पर ही बेस्ड हैं। CBSE ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, तो उसी पे बेस्ड जो है आपको 12 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें ना टर्म फर्स्ट की बात करें तो 50% एग्जाम जो है 50% क्वेश्चंस जो है वो पेपर के वो एडुकार्ड से ही आए थे। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, उनमें से 9 पेपर जो है आपको यहाँ पे 12 मिल रहे हैं ना, 12 में से 9 तो है कंप्लीटली सॉल्व्ड और 3 जो है वो है आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए, अपने आप करने के लिए करोगे तो वो आप 9 से वाले पेपर्स को भी अपने आप ही सॉल्व करोगे, सीधी सी बात है, लेकिन वो उनके सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल हैं लास्ट में। बाकी के 3 है ना इनके सॉल्यूशंस आप ऑनलाइन देख सकते हो, यहाँ पे एक QR कोड भी दिया हुआ होता है, आपको दिखाता हूँ, आपको दिखा ही देते हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि ये रहा आपका QR कोड, दिख रहा है ना यहाँ पे, हरामी लोग कुछ ना कुछ तो स्कैन कर लेंगे इसे, तो ये जो है ना एक QR कोड मिलता है जिसे स्कैन करके आप जो है इसके सॉल्यूशंस ले सकते हो। अब यहाँ पे फायदा क्या है इसका, यहाँ पे जो है ना ये 3 सैम्पल पेपर जो है ना यहाँ पे आपको सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट्स मिलते हैं, ये जो सैम्पल पेपर्स हैं 3 यहाँ पे आपको सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट मिलते हैं। क्या होते हैं सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये वाला सैम्पल पेपर है आपका सैम्पल पेपर नंबर, एक मिनट, सैम्पल पेपर नंबर 11 की बात करें तो इसका एक सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट दे रखा है यहाँ पे,
ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप, इससे आप खुद से इवेल्युएट करोगे अपने मार्क्स को। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आपने ये पॉइंट लिखे हैं अपने आंसर में तो आप अपने आप को 2 नंबर या फिर 1 नंबर दे सकते हो इस प्रकार से। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का हिस्ट्री से, ठीक है, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बात की थी आपसे कि किन टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को क्लियर कर लो, ये अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये पॉइंट आपने मेंशन किए हैं, ये वाले पॉइंट अगर आपने मेंशन किए, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, आप अपने आप को 2 नंबर दे लो। इसी प्रकार से जो है आप सभी के सभी क्वेश्चंस को एवेल्युएट करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल में 40 में से अपने आपको जो है यहाँ पे नंबर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से 40 में से अपने आप नंबर देना और खुश हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट से मिलते हैं। आगे बात करें, टॉपर सॉल्यूशन मिल रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का भी काम लगभग इन्होंने निपटा ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको जो है यहाँ पे टॉपर्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे कि पहले हम बात करें, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं जुगाड़ वालों के, तभी आपको बता रहा हूँ, लाइट ऑफ हो गई है लेकिन कोशिश करेंगे इसे जलाने की। जल जा भाई, जल गई। तो हाँ भाई, यहाँ पे जो है मैंने इंग्लिश का भी देखा, मैथ्स का भी देखा है, जरा मैथ है, और अभी हम बात कर रहे हैं आपसे सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ लाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव ही आएगा आपका टर्म टू का पेपर। तो जैसे यहाँ पे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट तीनों तरह के क्वेश्चंस के टॉपर्स के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उन्हीं की हैंड राइटिंग में, तो राइटिंग तो अच्छी होती है टॉपर्स की। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो टॉपर्स किस टाइप से लिखते हैं, और क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, इनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो टॉपर्स के सॉल्यूशंस से, उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से लिखना है क्वेश्चंस को। उसके अलावा सबसे अच्छी बात, सब्जेक्टिव माइंड मैप्स दिए हुए हैं। सब्जेक्टिव माइंड मैप्स यानी कि आपका क्विक रिविजन हो जाए जिससे चैप्टर का कंप्लीट। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, अभी दिखाया भी था लेकिन फिर से दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेल्फ क्या कहते हैं सब्जेक्टिव माइंड मैप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पूरा तो नहीं दिखा सकते, आप बुक ही खरीद लो अभी दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्टिव माइंड मैप्स यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर के दिए हुए हैं। यहाँ पे मोस्ट मुझे लगता है लगभग सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, लगभग, ठीक है, तो इससे जो है ना आपका क्विक रिविजन भी हो जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो इस बुक के अंदर। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी। ठीक है, तो भाई इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैप वाले क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में आएगा पूरा का पूरा सैम्पल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या है कि इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको खरीद सकते हो।